हाउ टू चेक सेंसर, कैसे सेंसर को चेक करना है। चलो मल्टीमीटर से चेक करते हैं, सब लोगों को पता है मल्टीमीटर में क्या रखना है। पहले देखेंगे बैटरी, बैटरी को चेक करना है तो ए वाला सिंबल मल्टीमीटर में कहाँ है देखो, इस वाला सिंबल में 20 पे रखना है रीडिंग को। एक बैटरी को वोल्टेज कितना रहना है, 12.84 रहता है एक नया बैटरी का। अभी आपका गाड़ी का बैटरी चुक जाए, दोनों माइनस प्लस उल्टा तो पकड़ो सीधा तो पकड़ो, ये वायर दोनों केबल को क्या भी शॉर्ट नहीं होगा, आपको रीडिंग दिखाएगा 12 वोल्ट, नहीं तो 11 पॉइंट बोले तो 11.84 वोल्ट दिखाएगा, ऐसा दिखाए तो बैटरी डाउन है। 11.94 है, 99 है, 11 पॉइंट बोले तो 11.95 आया बोले तो ये बैटरी डाउन है समझ, 12 रन आए गाड़ी का बैटरी स्टार्ट होकर अच्छे से जाएगा। चलो अभी सेंसर देखना है आपको, सेंसर देखना है तो आपको क्या करना है, सेंसर के लिए आपको नाल, ये वाला ओम्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, आपको घोड़े के पाँव में मारते हैं नाल, वैसा सिंबल दिखता है मल्टीमीटर में, इधर नीचे रहता है इस तरह, नीचे में रहता है इस तरह, इधर आपको रखना है इसमें 2000 पे रखना है रीडिंग, 2000 पे रखकर सेंसर का रीडिंग। अब सेंसर का भी आपको एक कौन सा भी सेंसर रीडिंग पता नहीं आपको कैसे देख, 500 के ऊपर रन है, नहीं एक एक रीडिंग अलग रहेगा, कैसे देखना है उसके बारे में बताऊंगा। ये वाला इस तरफ देख रहे ना, ये सब भी चार्ट क्या है, ये सेंसर के पीछे का, ये सेंसर वाला पिन का सॉकेट है ना, उसका वोल्टेज है, एक दो पीछे का वोल्ट सॉकेट को पकड़ लो, वोल्टेज इतना आना है। ये बैटरी को ये सिंबल पे रखना है, रखकर 20 पे रखकर ये दोनों एक दो पकड़े तो पीछे का सेंसर के पीछे आने वाला सॉकेट को एक दो पकड़े तो 2.5 वोल्ट आना है, दो पिन का ऐसा दिया हूँ मैं, इधर 3 पिन का कितना आना है। नेक्स्ट चलेंगे आपको सेंसर कैसे चेक करना, सेंसर पे चेक करना है तो मल्टीमीटर में ये सिंबल रखकर इधर देखना है। चलो पहले सेंसर क्या है आपका, ये वाला है क्रैंक सेंसर बोले तो फ्लाईव्हील सेंसर बोलते हैं सभी लोग। अभी इसको पीछे कितने पिन रहेंगे, छोटा गाड़ी रहे तो 2 पिन रहेगा, बड़ा गाड़ी रहे तो 3 पिन रहेगा। अभी चलेंगे, मेरा छोटा गाड़ी सर एक दो पिन उतना है, क्या करना है आपको मिस्त्री देखना है, एक दो उल्टा तो पकड़ो सीधा तो पकड़ो, 800 रन है, 800 के नीचे 790 ऐसा है सेंसर गया है, रिप्लेस कर दो, नहीं तो ये नया डालकर डालना है। क्यों बोले तो ये सर 700 है चलेगा क्या, ऐसा नहीं गया है समझ को, नया डालना है आपको, आपका 3 पिन का है, एक तीन पकड़ो एक आना है, एक तीन पकड़े तो 800 900 आ रहा बोले तो गया समझ लो। अभी एक दो पकड़े हाँ सर 1000 1500 आ रहा, हाँ चलो चलेगा डाल दो चलेगा, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहेगा, पिकअप नहीं आएगा, इसको भी क्लीन करना है हर जरूरी गाड़ी को। अभी नेक्स्ट आएंगे इंजन कूलेंट सेंसर, ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर आप देख रहे BS3 में एक ही था ये ब्लैक वाला, अभी BS6 में BS4 में दो सेंसर आ गए, एक दो, एक कहाँ रहते, ये ब्लैक वाला थर्मोस्टाट के पास है, सभी लोगों को पता है थर्मोस्टाट के पास रहता है, ये वाला कहाँ रहता है, ये पीछे बोले तो पीछे भी कूलेंट जाता है ना रिटर्न, वो देखता है, ये दोनों को भी क्या काम है, एक हीट मापता है ये भी हीट मापता है बोले तो इंजन के अंदर सो कूलेंट का हीट मापता है, आपको भी इसको भी देखें, एक दो पकड़े 1500 आना है, 2500 तक आना है, ये कभी भी 1000 आ गया सर चलेगा क्या, नहीं गया नया डाल देने का, इससे क्या दिक्कत आएगा बोले तो गाड़ी 15 RPM नहीं तो 10 RPM के ऊपर रेज नहीं होगा, गाड़ी आधा जाता है बंद हो जाता है, क्यों बोले तो ये टेम्परेचर ही नहीं बता रहा इंजन को, उसकी वजह से गाड़ी ईसीयू को बोल देगा, ईसीयू ये टेम्परेचर काम नहीं कर रहा, गाड़ी 15 RPM के ऊपर मत भगा, गाड़ी थोड़ी देर जा 10 किलोमीटर बंद हो जा, ये बोल देगा आपको, इसको देखकर चेंज करना है, इसके वजह से वो दिक्कत आएगा। चलो अभी नेक्स्ट आएंगे वाटर इन फ्यूल सेंसर, ये देखिए वाटर फ्यूल सेंसर डीजल के फिल्टर के नीचे रहता है, वाटर के आया तो ये गाड़ी पुक 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 मारकर पिकअप नहीं आएगा, इसकी वजह से आप ड्रेन करते थोड़ा किककर मार देते हो गया एयर लॉक हो गया इसका, डीजल के अंदर कभी भी वाटर आता है आपको पता है, इसको भी एक दो पकड़ो 700 ओम्स आना है, ये पीछे ये जाता नहीं कभी भी, चुप दे लूज करो इसको फिक कर मारो, पानी नीचे उतारो किक डालो गाड़ी स्टार्ट करो हो जाएगा, इसका काम इतना ही है। अभी फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है, ये क्या करेगा, ये भी मेन पार्ट है, फ्यूल टेम्परेचर दिखने में ऐसा ही रहता है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर कहाँ रहता है, ये एक गाड़ी में छोटे गाड़ी में इधर रहता है फिल्टर के पास, एक बड़े गाड़ी में कहाँ रहता है पंप के पास रहता है, FIP पंप, अभी नया हाई प्रेशर पंप आ रहे ना उधर आएगा, उसको भी पीछे एक दो पकड़ो 1000 के ऊपर आना है, ये 900 आ रहा है गया समझ लो नया डाल दो, इसके दिक्कत क्या आएगा, गाड़ी एक्सीलेट रेज नहीं होगा समझ लो, ये गया तो भी पंप के पास उच्च है नहीं
ये तो फिल्टर के पास, ये गाड़ी रेज नहीं होगा, एक्सलेटर रेज ही नहीं होगा सर। गाड़ी स्टार्ट किया हूँ 5-6 RPM है सर, बढ़ रहा ही नहीं सर, रेज ही हो रहा ही नहीं। होता है कि पर हाँ, डग 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 रेज होता है, बाद में होता ही नहीं सर। इसका दिक्कत है, देखो इसको चेंज कर दो, ये वाला सेंसर चेंज करो, गाड़ी अच्छे से पिकअप लेगा और एक्सलेटर अपने रेज अच्छे से होगा। नेक्स्ट देखेंगे रियल प्रेजर सेंसर। ये रियल प्रेजर सेंसर पांचवा में है, इसको भी 3 पिन रहते हैं, 1 2 1 3 पकड़े तो 500 500 ना। इसके अंदर क्या करना, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा, गाड़ी कभी भी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो पहले आपको ये इसके अंदर डीजल आ रहा क्या देखना है मदर के पास, नहीं तो इसके पास ये कॉमन रेल का ये पंप से इसको कनेक्ट रहता ना, ये पंप से इसको डीजल आ रहा है क्या देखना है। ऐसा देखने के बाद ये गया कि पता चल जाएगा, इससे वो आगे नहीं आ रहा तो ये कॉमन रेल गया रहता है, उसको कैसे देखना है? ये रियल प्रेशर सेंसर बोलते हैं। ये कॉमन रेल को 20,000 30,000 है, ये वाला छोटा सेंसर है ना, ये इतना ही, इतने के लिए 10,000 7,000 रुपये है। इसको भी 1 2 पकड़ो 1 3 पकड़ो, पता चल जाएगा आपको गाड़ी चल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट आएंगे रियल प्रेशर कंट्रोल वाल्व। ये देखो एक ये इस तरफ है, ये वाला इस तरफ है, ये वाला सेंसर देखने ना इस तरफ है। अभी ये वाला सेंसर ऊपर दिखा रहा हूँ ना, ये वाला कॉमन रेल का सेंसर इस तरफ है, इधर है ना। ये वाला क्या करेगा, 1 2 पकड़ो 500 आना, नहीं आ रहा तो ये गया समझो, नहीं तो इसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। गाड़ी स्टार्ट हुए तो भी आइडलिंग पे ही रहेगा, आगे कुछ भी काम नहीं करेगा आपको। ये वाला चेंज कर दो, ठीक से गाड़ी काम करेगा। ओके नेक्स्ट आएंगे कैम शाफ्ट सेंसर। ये कैम शाफ्ट सेंसर क्या करेगा, आप सभी लोग पुराने गाड़ी को क्या कर देते, पंप पिटाने से टाइम को फ्लाईव्हील घुमाते, वो 1 3 1 6 1 2 1 4 ऐसा घुमा घुमा कर फ्लाईव्हील को टाइमिंग रखते थे। अब तो गाड़ी में वैसा नहीं है, पंप निकालो डालो, वो टाइमिंग कहाँ दिखता है, टाइमिंग गियर के ऊपर उन्होंने मेंशन किया आपको पता है, एक एक डॉट दिए, वो डॉट को मेजर कर कर कैम कैम शाफ्ट रहता है ना, उसके अंदर एक मार्क किया, ये वाला कैम शाफ्ट सेंसर बोलते हैं। ये वाला गाड़ी 1/6 को बंद होना है, 1/6 को ऑन होना है, वो देखेगा ये वाला कैम शाफ्ट सेंसर। इसको भी ये गया कैसे देखना है, 1 2 पकड़ो 500 ओम्स आना है, नहीं तो 1 3 पकड़ो 500 ओम, ये कहाँ बीच कम आ रहा बोले तो गया समझ लो, नया डालना है। नहीं तो सर कैप्चर सेंसर है, गाड़ी कनेक्टिंग साउंड आ रहा है, ये नहीं बता रहा, नहीं बताएगा क्यों, बोले इसका काम है रोटेशन उतना ही बताना है, साउंड का बताने का हम कमांड नहीं दिए इसको, रोटेशन वो कैमशाफ्ट घूम रहा है कि नहीं, साउंड आ रहा तो घूम रहा है, इतना ही काम इसका, ये साउंड आ रहा है वो बताता नहीं, आपको उस बाहर से सुनना है। नेक्स्ट आएंगे एयर मास फ्लो सेंसर, आठवा वाला, इसका भी 4 पिन है। ये कहाँ रहता है एयर मास फ्लो सेंसर, एयर फिल्टर के पीछे रहता है। ये एयर फिल्टर के पीछे क्या करेगा, एयर फिल्टर के अंदर हवा, ये 100 100 डायामीटर का पाइप है, 100 मीटर का, उसके अंदर राउंड वाला पाइप के अंदर एयर आ रहा है, पूरा एयर आना, नहीं तो एयर फिल्टर चौक है उसके, नहीं तो कागज कहाँ भी एयर फिल्टर सक कर रहा, उधर से कहाँ भी एयर फिल्टर के अंदर डस्ट गया, नहीं तो कचरा गया बोल समझ लो, वो ए क्या करेगा, एयर फिल्टर एयर नहीं आ रहा, बोल देगा ईसीयू, ईसीयू भाई मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, गाड़ी को भगाना मत ज्यादा स्पीड में, बहुत एग्जॉस्ट में एयर नहीं जा रहा, उसकी वजह से अच्छे तरीके से डीजल बर्न नहीं होगा, बस बंद कर गाड़ी को 5 RPM पे, उतना ही भगा 10 स्पीड पे, वो बता देगा ये वाला एयर मास फ्लो सेंसर। इसको क्या करना है, इस तरफ रहता है ये सेंसर को इधर बैठा रहता है, ये देखना है एयर फिल्टर के अंदर से है सो। आपको कैसे पता चलना है सर ये जाम है, पता चल जाएगा आपको कैसे, गाड़ी पिकअप नहीं, आपको देखना है गाड़ी जब स्टार्ट करने को रेव करो, ये वाला पाइप सांस लेते जैसे करता है, अंदर बाहर करते रहता ऐसा बोलकर ये सांस लेता रहता है, आपको पता चल जाएगा बाहर से, गाड़ी रेव करो छोड़ो रेव करो, ये ले लेगा सांस लेने से करेगा, आपको पता चलेगा गाड़ी स्टार्ट पिकअप नहीं है, गाड़ी को सर गाड़ी थोड़ा गाड़ी रेव करो, रेव ही नहीं हो रहा सर, इसको एयर फिल्टर बाहर निकालो, क्लीन करो, गाड़ी स्टार्ट करो, पता चल जाएगा आपको, नहीं तो नया एयर फिल्टर डालो, नहीं तो एयर फिल्टर ये सेंसर क्लीन करो, नहीं तो एयर फिल्टर के अंदर कहाँ भी टेस्ट गिस्ट नहीं तो वेस्ट गिस्ट पे के क्या देख लो बस। नेक्स्ट आएंगे ये देखो बूस्ट प्रेशर सेंसर, ये क्या काम करेगा, इधर है सर ये वाला है, ये वाला एयर फिल्टर के पास, ये भी इनलेट मैनिफोल्ड पे है ना सर, ये वाला बूस्ट प्रेशर, ये क्या करेगा, वो ये ऊपर वाला सेंसर एयर कितना आ रहा है माप लिया, अंदर जा रहा सो एयर को गर्म है, ये वाला सेंसर गर्म है क्या कोल्ड है,
और इसके आगे पीछे पानी नहीं छिड़कना है, और इसके अंदर इनलेट में रहता है बोले तो, इनलेट मैनिफोल्ड में उधर बर्न गैस बाहर आता है ना, इनलेट में भी आता है थोड़ा कार्बन, वो कार्बन इसको लगा तो क्लीन करना है। आप नहीं क्लीन करे ऐसा ही चल रहा है गाड़ी का ब्लैक स्मोक व्हाइट स्मोक पिकअप नहीं, समझ लो इसको क्लीन करना है आपको, ये जाता नहीं कभी भी। इसके पीछे आपको एक तो पकड़ो 1000 के ऊपर आना, एक तीन पकड़ो 500, एक चार पकड़ो 500 आना, ऐसा देख कर देखो गाड़ी ठीक हो जाए। ज्यादातर ये ज्यादा जाता नहीं, जब ऐसा आ गए तो इसको देखना है, ब्लैक स्मोक मारा व्हाइट स्मोक पहले क्लीन कर दो इसको, ये वाला सेंसर। चलो नेक्स्ट जाएंगे स्पीडोमीटर सेंसर। आपके गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर सेंसर क्या करेगा आपको पता है? स्पीडोमीटर बताता है रीडिंग आपको, है ना, गाड़ी के अंदर। स्पीडोमीटर सर भाग रहा है नहीं गाड़ी का, क्या करना है इसको पहले जाकर आपको क्या करना है सर, ऊपर का डिजिटल में वो मत देखो, इसको पीछे आ जाओ गियरबॉक्स के अंदर, इसके पीछे इधर पीछे वायरिंग सॉकेट रहता है ना, वो चुका है क्या, कट हुआ क्या, देखना है आपको। नहीं तो एक बार ये पूरा सेंसर को बाहर निकालो, निकाल कर देखिए इधर कहाँ भी ऑयल बोले तो गाढ़ा वाला ऑयल लगा क्या, देखना। नहीं तो ये कहाँ बैठा रहता है, गेयर बॉक्स के पीछे, इधर दिख रहा है ये गेयर बॉक्स का क्या है, इधर जॉइंट बैठता है हमारा क्या है, गेयर बॉक्स और फ्लैंज बैठता है, गेयर बॉक्स और फ्लैंज बैठा है तो इसके अंदर ये देख रहे हैं ना, एक स्पीडोमीटर का वॉशर है, सर्किल पे नक्कल है, एक गवर्नर है, इसके अंदर ए वाला इसके ऊपर बैठेगा, ये स्पीडोमीटर सेंसर है, इतना ही। ये स्पीडोमीटर सेंसर है, एक सर्किल वॉशर, एक स्क्रू का नक्कल है, ये कहाँ भी कट गए तो ऐसा ही होगा, नहीं स्पीडोमीटर नहीं दिखाएगा। नहीं तो अभी क्या प्रॉब्लम है सर, स्पीडोमीटर मेरा गाड़ी 100 किलोमीटर भागने के बदले ये 150 किलोमीटर दिखा रहा सर, मैं गाड़ी भगाए सो, ये क्यों बात बता रहा बोले तो, जॉइंट का चकनट लूज है, गियर बॉक्स का चकनट लूज है, वो चकनट गियर बॉक्स का चकनट है ना, वो फ्लैंज आड़े थीड़े घूम रहा, उसकी वजह से स्पीडोमीटर आड़े ज्यादा कम दिखाता है स्पीडोमीटर, आपको चकनट टाइट करना है, ये समझ लेने का। नेक्स्ट आएंगे एक्सीलरेट पेडल सेंसर, इधर लिखा स्पीडोमीटर माउंटिंग गियर लूज व्हेन व्हीकल नॉट स्टार्ट, इसके वजह से भी क्या होगा, ये करेक्ट से बैठा नहीं है पीछे सॉकेट और सब भी, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होएगा इसके वजह से, इधर भी देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये भी देखना आपको, सब भी देखने के बाद वायरिंग का, इधर इधर देखो इसके पीछे कुछ भी वायरिंग जला समझ लो गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगा, वायरिंग शॉर्ट सर्किट हुआ तो, एक पॉइंट याद रख लो। एक्सीलरेट पेडल सेंसर आपको देखा इसे ये चक्कर गया है कि नहीं आपको पहले क्या करना है, गाड़ी एक्सेसर गाड़ी मेरे पास आया है क्या, एक्सीलरेट रेज नहीं हो रहा, क्या करना है सर, ऐसा करो मिस्त्री गाड़ी स्टार्ट करो, एक्सीलरेट पेडल का पीछे एक्सीलरेट पेडल का सॉकेट रहता है ना ये वाला, ये सॉकेट को चुका दो एक्सीलरेट पेडल से, इधर से चुका दो, चुका कर गाड़ी स्टार्ट करो, आइडलिंग में है क्या, रेज हो रहा है, नहीं सर आइडलिंग में चुकाई तो भी रेज है, डाले तो भी रेज हो रहा है मिस्त्री, ऐसा रहे तो गाड़ी का एक्सीलरेट पेडल अच्छा है, समझ लेने क्या देखना है, ये अच्छा रहे तो आपको इधर पहले वाला इधर लिखा देखो क्या, ये कूलिंग टेम्परेचर सेंसर देखना है एक, नेक्स्ट ये देखना है दो, तीसरा वाला एयर मलास फ्लो सेंसर, और ये भी देखना है चारवा वाला बूस्ट प्रेशर सेंसर, ये देखिए तो बस आपका ठीक हो जाएगा सर। नहीं सर गाड़ी एक्सीलरेट पेडल डाले तो एक्सीलरेट पेडल से एक्सीलरेट गाड़ी स्टार्ट हो रहा, अपने पे 15 RPM जा रहा, निकाले तो 15 RPM पर जा रहा है, इसको क्या कर रहा है सर आप बोले तो, उसको पहले ये सब भी क्या है ना, आपको एक्सीलरेट पेडल निकाल दो रेज हो रहा है, डाले तो भी रेज हो रहा है बोले तो, वो सब भी देखना है, पीछे बोला ना वो सब भी देखकर इधर आना है आपको, आपको ये पता चल जाएगा। नहीं तो सर आप बोले तो मैं सब भी क्या सर, जब भी नहीं हो रहा, नहीं तो फाइनली आपको क्या करना है, गाड़ी का ECU चेंज कर देंगे, क्यों बोले तो ECU के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ रहता है, उसके वजह से भी होता है, क्यों बोले तो गाड़ी वेल्डिंग करते ना जब ECU का केबल निकालना है, नहीं निकाले ये ECU का दिमाग सटक जाता है, सटक कर गाड़ी अपने पर रेज होता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे एक क्लच पेडल, क्लच स्विच, ब्रेक स्विच, ये क्या करेंगे, हाँ इससे भी दिक्कत है देखो, ये क्लच पेडल ब्रेक पेडल स्विच में डस्ट गया समझ लो, कार्बन गिर ये क्लच मारे तो क्लच का कौन से गियर में बताएगा, ब्रेक स्विच मारे तो ब्रेक मारे तो पार्किंग लगेगा, और इससे भी दिक्कत क्या है गाड़ी को ECU को इससे भी कमांड जाएगा, ये आपको देखना है, इससे क्या दिक्कत आएगा, गाड़ी
स्पीड पे जा रहा है, 40-30 स्पीड पे जा रहा है, गाड़ी पिकअप नहीं गड़बड़ा रहा है।